हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह हो गई है एंड मेरा ऑनलाइन ग्रॉसरी का सामान आ चुका है। ये है मेरा सुबह का ऑनलाइन ग्रॉसरी। ये है दूध का पैकेट, ब्रेड एंड ये है चाय पत्ती का पैकेट। एंड ये देखिए, इसमें है बनाना, इस तरह से पैकेजिंग करके दिया है इन लोगों ने। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट थ्रो दिस कार्टन अवे, यू कैन रिटर्न इट एंड वी विल रिसाइकल इट। कोशिश करूँगी रिटर्न करने की। सबसे पहले तो दूध का पैकेट अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा रहता है दूध का पैकेट में। एंड दूध का पैकेट जब भी मैं कहीं से मंगाती हूँ या खुद जाके लेके आती हूँ, हमेशा मैं सबसे पहले इसको अच्छे से पानी से धोती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। दिन का शुरुआत हमेशा ही होता है पनव का दूध गर्म करने को लेके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पनव का दूध गर्म करने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जैसे कि आज है 10th of December, लाइफ बहुत कुछ सिखाते जा रहा है, बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ के बारे में। तो पहले तो मैं सोचती थी कैसे क्या करूँगी, अकेले पनव को लेके रह पाऊँगी कि नहीं, सब कुछ मैनेज हो पाएगा कि नहीं। पर अभी तो देख रही हूँ लाइफ जैसे कि दिन ब दिन आसान होते जा रहा है, सब कुछ ही पॉसिबल है, टाइम भी किसी के लिए नहीं रुकता है। एंड दुनिया में हर कोई अपने आप चलना सीख जाता है, हर काम सीख जाता है। एंड बच्चा साथ में रहता है तो आई थिंक कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। एंड ऐसे तो लोग बोलते हैं फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे को बड़ा करने के लिए, बट आई थिंक अ फैमिली विच शेयर्स अ हेल्दी रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बच्चे को बड़ा करने के लिए। आज काफ़ी ठंड है तो मैं पनव को यहाँ पकड़ के देखी कैसे जैकेट पहना रही हूँ, क्योंकि एक बार इसको सर्दी पकड़ लेगा ना तो फिर इसको भी तकलीफ होगा एंड बेवजह मुझे भी टेंशन होता रहेगा, मेरा भी हेडेक बढ़ जाएगा। तो पनव का दूध बना के दे दिया मैंने एंड फिर मैंने सोचा कि टेबल थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दूध बनाते बनाते थोड़ा सा तो एक दो बूंद दूध गिर ही जाता है। बट फिर मैंने सोचा कि टेबल अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यानी देखिए, ये सुबह का ऑर्डर किया हुआ बनाना अभी एक घंटा ही हुआ है, ये आया है, पर देखिए इसमें काला काला स्पॉट्स काफ़ी है। बनाना शायद इन लोगों ने, हो सकता है फ्रेश ही दिया हो, पर ये जो बॉक्स का पैकेजिंग है मुझे एकदम पसंद नहीं आया है, इसी वजह से बनाना काला पड़ गया हो। अभी बज रहे सुबह का 11:30। इस टाइम में ना थोड़ा सा प्री लंच स्नैकिंग होता है हम लोग का, क्योंकि भूख लग गया है हम दोनों को ही। एंड वेदर आज देखिए काफ़ी सनी है। एडिटिंग का काम इस समय चालू ही रहता है, एक बार पूरा एडिटिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं कुकिंग में जाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम से वीडियो अपलोड करना काफ़ी ज़रूरी है। अरे अभी चल रहा है पनव का साष्टांग प्रणाम, ये नहा चुका है एंड अभी ये भगवान के सामने जय कर रहा है। तो मेरा भी नहाना पूजा सब कंप्लीट हो चुका है एंड फटाफट अभी मैं चली जाऊंगी किचन में लंच बनाने। इसका प्रणाम चल रहा है, अच्छा ही है, मैंने ही बोला इस तरह से प्रणाम किया करो, मैं भी करती हूँ नहा के। तो मेरा नहाना पूजा करना सब चीज़ हो गया है एंड अभी मैं फटाफट जाऊंगी किचन में। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, आज मैं सोच रही बस फिश करी और राइस बना लेती हूँ फटाफट से। फिश मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है एंड फटाफट बन जाएगा। एंड अभी टाइम भी काफ़ी देरी हो गया है एडिटिंग करने में ना, आज मुझे बहुत टाइम लग गया। तो आज ना एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम चला गया है, आई थिंक 12:30 या एक बजे मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है एडिट करके, तो काफ़ी टाइम चला गया है। बट प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो सारा देख लीजिएगा, मेरा पनव का दोनों का ही एफर्ट है। और वो टावल सुखाना नहीं हुआ बेटा, टावल दो, तो टावल बाहर सुखा देती हूँ, आज धूप भी काफ़ी अच्छा है बाहर, मेरा भी देखो बहुत अच्छा धूप है आज, तो अच्छा होगा, सब चीज़ सूख जाएगा। तो बस हम लोग नहाना पूजा करना हम दोनों का ही कंप्लीट हो गया है, अभी फटाफट चली जाऊंगी किचन में फिश करी बनाने। तो आज ना इस बिल्डिंग में सुबह से काम चल रहा है एंड काफी ऊपर से आवाज आ रहा है, आप लोग को आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं काफ़ी इरिटेटेड हो रही हूँ बिकॉज सुबह से आवाज़ चल रहा है एंड मैं ना ठीक से व्लॉग कर पा रही हूँ, ना मैं अपना व्लॉग ठीक से एडिट कर पा रही थी सुबह। तो बहुत ही मुश्किल होता है, कान के सामने पूरा ढक 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 दिन भर चलता रहता है। एंड ये अभी मैंने तेल चला दिया है, अभी देखिए मैंने फिश को बैक कैमरा से दिखाती हूँ।
तो ये देखिए मैंने फिश को ऑलरेडी 2 घंटा पहले इसको अच्छे से धो के हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रख दिया था। दूर से देखो ये तो लग रहा है ऑलमोस्ट अभी बन चुका है एंड स्मेल भी काफी अच्छी आ रही है। ये है इंस्टेंट फिश करी। इसका वीडियो पता नहीं है मेरा चैनल में है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत जल्दी बन जाता है इस टाइप का फिश करी। और इसमें मैंने काला जीरा वाला छौंक लगाया है, काला जीरा का, एंड सारा जो भी मसाला है ना मैंने एक बोल में पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है, एंड इसमें टोमेटो प्यूरी भी है। एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ, आई थिंक फिश भी पूरा बॉयल हो चुका है। ये तो ऐसे भी फ्राई किया हुआ है एंड देखिए ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसको अभी मैं उतार लेती हूँ गैस से एंड अभी यहाँ पर चढ़ाऊंगी मैं राइस। ये देखिए कुछ इस तरह का बना है एंड देख के तो काफ़ी अमी लग रहा है, पर आई थिंक नमक थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसमें नमक बस हम लोग राइस के साथ खाएंगे इसको, तो नमक इसमें ऐड कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, अभी बज गए शाम का 7:15 एंड मैं आ गई हूँ इस रूम पे। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्या बताऊँ, क्या ब्लॉग करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का चाय नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका है एंड आज पर हमको सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है एंड शाम को ये थोड़ा सा घूमने गया था किसी के साथ, तो फिर ये घर पे भी थोड़ा बहुत खेल लिया है, बट आज इसका पढ़ाई नहीं हुआ है। कल सुबह इसका अच्छा खासा पढ़ाई हो गया था एंड आज हम लोगों ने चेक किया स्कूल बैग में, तो ऐसा कुछ होमवर्क वगैरह इसका कुछ भी नहीं है। जो भी था सब कुछ हो चुका है एंड बस आज इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं। एंड पता नहीं क्यों आज ना हम लोग के यहाँ पर घर में मच्छर बहुत है, मतलब हम लोग का खिड़की दरवाज़ा ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, पर पता नहीं इतना मच्छर कहाँ से आ रहा है। मतलब बाथरूम में मच्छर या बेडरूम में बैठी हूँ फिर भी पैर में मच्छर काट रहा है, हॉल में मच्छर, मतलब मच्छर ही मच्छर है। ऐसा हम लोग का घर कम और मच्छरों का घर ज़्यादा लग रहा है ये। पर हम ना बाहर बैठ के यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये ना जब भी मौका मिलता है खाते वक्त या जब इसका पढ़ाई हो जाता है या जब इसको मैं फ़ोन देखने देती हूँ, ये कंटिन्यूसली ना खाली यूट्यूब शॉर्ट्स देखता रहता है। मैं इतना इरिटेटेड हो जाती हूँ, मतलब मैं जो व्लॉग करूँगी, मैं जो कुछ बात करूँगी आप लोगों से, कुछ बोलूँगी मैं ना, देखिए ये देखिए बाहर बैठ के सुन रहा है मेरा बात। मैं जो कुछ बोलूँगी या कुछ बातचीत करूँगी आप लोगों के साथ, कुछ शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दिन भर इसका यूट्यूब शॉर्ट्स चलता रहेगा। मतलब लोग भर भर के शॉर्ट्स बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पर पता नहीं मेरा तो अभी इस चैनल से अभी तक कुछ भी नहीं आया है। एंड मैं तो अपना वीडियो बनाते जा रही हूँ ईमानदारी से, अपना ही कंटेंट है, किसी और का भी नहीं है। जो भी कुछ होता है मेरे आसपास, मेरे घर में, बाहर में, सब कुछ दिखाती रहती हूँ। पर ये तो बहुत यूट्यूब शॉर्ट्स देखता रहता है एंड मुझे ठीक से व्लॉग भी नहीं करने देता है। पनव दवाई ऑन कर दो, तो मच्छर मारने वाला ऑन कर दिया बेटा? अब देखते हैं थोड़ा सा मच्छर कम होता है कि नहीं। नॉर्मली ना हम लोग रात को गुड नाइट जला के सोते हैं, पर अभी हम लोग ऑन कर लिए, पर पता नहीं आज इतना मच्छर कहाँ से आ रहा है। ऐसे तो विंटर्स में मच्छर ज़्यादा होते ही है, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही तंग किया जा रहा है मच्छर एंड डर भी लगता है बिकॉज मच्छर से इतना डेंगू मलेरिया वगैरह चारों तरफ सुनाई दे रहा है मुझे, तो डर भी लग रहा है। एंड आज रात को ना मैंने खाने पे, ये बैकग्राउंड में यूट्यूब शॉर्ट्स का म्यूजिक आता रहेगा, अगर इसके वजह से मुझे कॉपीराइट आ गया तो पता नहीं। पनव को तो आइडिया नहीं है कि कॉपीराइट क्या है। पनव थोड़ा सा वॉल्यूम बंद करो ना यार, फिर बेकार में ऐसे भी इस चैनल से रेवेन्यू नहीं हो रहा है और ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। एंड मैंने ना अमेजन से एक पानी का बॉटल लिया है, पानी का बॉटल इन द सेंस दैट इज़ अ रिमाइंडर बॉटल, एंड ये 2.5 लीटर्स का है आई थिंक, या कितना है आई डोंट रिमेम्बर, मतलब वैसा ही कुछ है।
मतलब दिन भर में आपको जितना पानी पीना चाहिए उस बॉटल का कैपेसिटी उतना है, एंड उसमें रिमाइंडर का मार्क्स लगा हुआ है एंड कुछ कोट्स लगा हुआ है, मतलब कोट्स है बॉटल में, तो वो आपको रिमाइंडर दिलाता रहेगा कि आपको इतना पानी दिन भर में पीना चाहिए। इसी वजह से मैंने वो बॉटल अमेजन से लिया है, मुझे बहुत दिनों से मन था, तो चलिए उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हाँ। पनव बॉटल ला देगा बाहर से? तुम गई, तुम क्यों ब्लॉग मेरा वीडियोस बंद करने बोली, चुमार हगी करने से तेरे को छोड़ दूंगा। अच्छा किसी कर दो तुम मेरे को किसी कर। आज मैं सबको पनव के नाम पे बोल रही हूँ कि पनव वीडियो चलाता है, इसलिए इसके लिए पनव को मुझे किसी करना पड़ेगा एंड हगी देना पड़ेगा। हाँ चलो क्योंकि मैं आज पनव के नाम पे कंप्लेन कर रही हूँ ना। अब मेरे को छोड़ दिया, अब मेरे को छोड़ दिया। मेरा बॉटल ला दे बेटा, वो जो पैक किया हुआ है। ट्राइपॉड का सेटिंग कैसा हुआ पता नहीं, बालों का सेटिंग ठीक कर लेती हूँ पहले। चलिए अनबॉक्स करते हैं मेरा न्यू बॉटल को। तो पानी से ना बहुत फायदा है हम लोग को, एंड ज्यादा पानी पीने से तो और भी फायदे है। एंड वाटर इज एसेंशियल, वाटर में बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, तो ये सब ज्ञान दूंगी अभी मैं, क्योंकि मैं वाटर बॉटल अनबॉक्स करने जा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ, एंड वाटर से तो हेल्थ रिलेटेड है ही, तो इसीलिए मैंने ये बॉटल ऑर्डर किया है एंड अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगी। तो कर लेती हूँ अनबॉक्सिंग। आई होप कि ये बॉटल मुझे पसंद आए। फटाफट कर लेती हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये है मेरा न्यू बॉटल, ये देखिए कितना लीटर्स का है। ओ ये है 3.3 लीटर्स का, मतलब हर दिन मुझे इतना पानी पीना पड़ेगा, मतलब इतना, मतलब बहुत देर बाथरूम में भी रहना पड़ेगा। तो देखती हूँ एक बार इसको खोल के, मतलब शांत हो जाती नहीं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये है मेरा न्यू बॉटल, इसमें 3.3 लीटर्स का कैपेसिटी है। एंड सॉरी मैंने गलत बोला था, कोट्स वाला बॉटल भी वहां पर था, बट इसमें कोट्स नहीं है, इसमें खाली वाटर का मेजरमेंट्स लिखा हुआ है। दैट इज ऑल्सो एनफ फॉर मी, मैं एक्चुअली एटलीस्ट ट्रैक कर पाऊंगी कि दिन भर में मैं कितना पानी पी रही हूँ, एंड जितना ज्यादा पानी पीऊंगी उतना भूख भी कम लगेगा एंड जंक फूड का क्रेविंग भी कम होगा, एंड खाना भी कम खाना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो हम सबको ही पता ही है। एंड ये देखिए इसका ऐसा है लिड, एंड ये इसका ग्रिप के लिए ऐसा एक हैंडल है, एंड ये शायद ऐसे खुलता है, पता नहीं। ओ इसको ऐसे खोलते हैं एंड इसको शायद यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है कि आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है। ओ इसको इस तरह से खोलना पड़ता है, एंड इसमें ये एक पाइप दिया हुआ है, तो दिस इज द बॉटल। ये शायद यहाँ पर हेल्थ लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग हेल्दी वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो ये हो गया मेरा न्यू बॉटल का अनबॉक्सिंग। आप लोग को कैसा लगा इसको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इतना सारा कपड़ा पड़ा है, मैं बैठ के थोड़ा बहुत कपड़ा समेट ही रही थी कि अचानक से देखा घड़ी की तरफ के 9:15 हो गया, तो सबसे पहले चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। आपका फोन चार्ज हुआ? 45 है, लेकिन मैं उससे काम चला लूंगा। काम चला लेगा तो चला ले काम, बैठ जा। 45 है ना, बहुत है, तेरा खाना हो जाएगा उतने में, तेरा डिनर हो जाएगा 45% में। अच्छा ठीक है, वन चार्ज होने में देरी है। चलो बैठो बैठो, खाना खाने बैठो। चलो ठीक है बैठो। एंड आज हम लोग का डिनर में है, ये देखिए, ये है पराठे एंड ये है आलू की सब्जी,
इसमें कसूरी मेथी, चाट मसाला सब कुछ डला हुआ है, तो चटपटा आलू का सब्जी बोल सकते हैं इसको, एंड ये है पराठे। एंड ये एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए सुबह मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर किया ये बनानास, ये देखिए अभी तक ये रात तक पूरा काला हो गया है, मतलब कल ही ये वाला खत्म करना पड़ेगा। सुबह को मैं दो खा लूंगी ब्रेकफास्ट में, एंड पनक भी एक खा लेगा सुबह को बनाना। हाँ कल बनाना और दूध पी के आप स्कूल चले जाना, बनाना खा के दूध पी के। हाँ हमारे पास तो चार है, अगर तीन तो खाएंगे तब तो एक बचा रहेगा। हाँ तो ठीक है, एक को बचा रहने दो, रात को एक बनाना से मैं सोच रही हूँ कुछ बनाना चाट वगैरह बना लूंगी। बनाना से अच्छा बनाना चाट बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हालत है ना बनाना का, ये कल तक खत्म नहीं करेंगे ना तो ये खराब होने वाला है।